नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज न्यूज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तान में बड़ी हलचल, जासूसी के आरोप में संदिग्ध युवक गिरफ्तार। श्री गंगानगर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, भारत ने 5 दिन में तीसरी बार मार गिराया। राजस्थान में 50 लाख किसानों की लिस्ट में से अभी तक केंद्र को 1,27,000 नाम ही पहुंचे, ये कहना है भाजपा का। जयपुर में टोल प्लाजा पर हमला कर 9 लाख रुपए लूटे, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जयपुर में आज पेट्रोल हुआ 22 पैसे महंगा, 12 मार्च 2019 का दाम हुआ 73.07 रुपए प्रति लीटर। गहलोत ने कहा, चुनाव आयोग दबाव में था, चुनाव की तारीखें पीएमओ में तय हुई। केंद्रीय मंत्री का दावा, भारत ने पाकिस्तान जाने वाले अपने हिस्से का पानी रोका। उदयपुर में युवक का हाथ कटा हुआ पंजा मिलने से फैली सनसनी, लाश गायब। गुर्जर आरक्षण पर जवाब के लिए हाईकोर्ट ने गहलोत सरकार को दिया 25 मार्च तक का समय। राजस्थान में 56 लाख मतदाता बढ़े, 4 करोड़ 86 लाख वोटर करेंगे मतदान। चुरू में दलित युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या मामले में 3 गिरफ्तार। राजस्थान का जिला अलवर में सरस डेयरी के प्लांट में लगी आग, करीब 150 किलो पाउडर जला। काला हिरन मामला, सोनाली सैफ नीलम और तबू समेत इन सितारों को जोधपुर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। राजस्थान में फिल्म स्टाइल में चोर ले उड़े 20 लाख, जिले की सबसे बड़ी चोरी का दावा। कोटा में रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 ट्रोले पकड़े। राहुल गांधी का दावा गलत, मसूद अजहर के साथ नहीं गए थे अजीत डोभाल। अलवर फायरिंग में 3 की मौत, 3 हिरासत में, परिजन अरे नहीं करने दे रहे पोस्टमार्टम। मोदी जी के लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, ये कहना है सीएम गहलोत का। सिरोही में पुलिस ने 10 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी, 2 गिरफ्तार। पाक को सता रहा राजस्थान बॉर्डर से सर्जिकल स्ट्राइक होने का डर, इसलिए बार बार भेज रहा यूएएफ। राजस्थान की 20 बड़ी खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।